हेलो व्यूअर्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं आपका होस्ट रविंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपको न्यू चंडीगढ़ के जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। तो ऑल्टर स्पेस बिल्डर के प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आप लास्ट वीडियो डाली थी, जो ऑल्टर स्पेस 1 की डाली थी। अगर आप न्यू व्यूअर हो, आपको थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगा जिसके बारे में आपको एक तो पूरे न्यू चंडीगढ़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकेंडली, जिस प्रोजेक्ट ये की बात कर रहा हूँ मैं, ये न्यू चंडीगढ़ का सबसे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने बहुत सारे लोगों की, जिनका पॉकेट अलाउ नहीं करती थी चंडीगढ़ में किसी और प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे उन्होंने बाय करके अपना जो ड्रीम होम्स हैं वो बना रहे हैं। तो कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छे प्राइस पे इसकी अलॉटमेंट की गई थी, और अभी जी हाँ फिर भी ये अदर प्रोजेक्ट से काफ़ी अच्छे यानी कि सस्ते रेट पे आपको मिल रहा है। तो अभी हम हैं ई पॉकेट की, ऑल्टर्स फेज 1 का ई पॉकेट। जी हाँ, ये बिल्कुल न्यूली डेवलप हुई थी अभी ये, तो विद इन 2 ईयर इन्होंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी घर बन चुके हैं। 2 साल ही हुए हैं इसकी पोजेशन को, और ब्लैक टॉप सब्सी सारी, सीवरेज हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी की सारी यहाँ पे आपको मिलेगी। इवन फैमिली यहाँ पे रहना शुरू कर चुकी हैं काफ़ी। सामने आप देख रहे हैं डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये ई पॉकेट में पहले हमारे कुछ 500 क्री प्लॉट थे, बट अभी ये एक्सटेंड कर दिया गया है इसको। जी हाँ, इसकी एक्सटेंशन आ रही है आगे, इसका रेरा आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। कंपनी लगी हुई है अफोर्डेबल हाउसिंग, अफोर्डेबल तो नहीं बोलेंगे इसको, बट अफोर्डेबल रेंज में आ जाता है, ये पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है, काफ़ी अच्छा है। तो आगे एक्सटेंशन आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्ते रेटों में, कम रेटों में हम घर प्रोवाइड करवा सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं हम किस किस साइज़ के प्लॉट मिलेंगे और प्राइस क्या रहेगा। तो सबसे जो आप देख रहे हैं, जैसे ये प्लॉट साइज़ है, ये 157 स्क्वायर यार्ड का है, जो सबसे मिनिमम साइज़ है यहाँ पे। यह काफ़ी अच्छा बन जाता है, साइज का फ्रंट रहता है। तो 157 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है, आपको अप्रोक्स कॉस्ट करता है 95 लाख के अप्रोक्स। जी हाँ, प्लस माइनस प्लस। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 184 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है, सिंगल लेन का प्रोजेक्ट प्लॉट है ये। यहाँ इसकी बैक साइड से 200 फीट रोड आएगा, जो कि ओमेक्स से आएगा, और ये सीधा आगे PR7 से कनेक्टेड हो जाएगा। जी हाँ, ये जो लैंड देख रहे हैं आप, ये 100 फीट रोड की है, सामने ओमेक्स का प्रोजेक्ट आ जाता है। आपको यहाँ से स्टेडियम की लाइट्स भी नज़र आ जाएंगी। जी हाँ, अगर आप जूम करके देखेंगे तो सामने आपको स्टेडियम की लाइट्स नज़र आ जाएंगी। जी हाँ, स्टेडियम भी यहाँ से ज़्यादा नहीं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओमेक्स के सामने आपको वाटर टैंक नज़र आ रहा होगा। जी हाँ, ओमेक्स प्रोजेक्ट से इसमें सीधा 100 फीट का रोड जो यहाँ पे एंटर करेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट साइज मैंने बताया था आपको, 184 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, वो आपको मिल जाता है 1.15 करोड़ से 1.20 करोड़ के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट साइज आ जाता है हमारा, जो पोजेशन रेट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सर्विस डल चुके हैं, इवन कंस्ट्रक्शन हो रही है, 220 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, जो आपको अप्रोक्स कॉस्ट करता है 1.15 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ के बिटवीन। जी हाँ, बाकी ये प्राइस जो भी मैं बता रहा हूँ, ये नेगोशिएबल हैं, डिपेंड्स करता है आप कैसी लोकेशन पे प्लॉट लेते हैं। उसके बाद हमारा 315 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, जो बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे हमने। जी हाँ, वो भी आपको मिल जाएंगे, वो आपको अप्रोक्स कॉस्ट करता है 1.40 करोड़ से के आसपास, 1.35 से 1.45 के बिटवीन। तो ये थे जो ऑलरेडी पोजेशन है, जहाँ सर्विसेज डल चुकी हैं। इसके साथ ही जो, जैसे मैंने आपको बताया है कि नई प्लॉटिंग आ रही है। जी हाँ, नई प्लॉटिंग में आपको जो प्लॉट साइज मिल जाएगा 157 स्क्वायर यार्ड मिल जाएगा, उसका रेरा आ चुका है, वन लोन भी HDFC बैंक के द्वारा अप्रूव हो चुका है, लोन हो जाएगा। जैसे खाली लैंड पड़ी है, जो फ्लैगिंग आप देख रहे हैं इसके बीच में, ये सारी की सारी ये नई प्लॉटिंग ही आपको मिलेगी, इस लोकेशन पर आपको मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 157 स्क्वायर यार्ड, उसके बाद आपको मिल जाएगा 245 से लेके 242 स्क्वायर यार्ड, जो 157 स्क्वायर यार्ड का, वो आपको अप्रोक्स कॉस्ट करता है 85 लाख के अप्रोक्स। जी हाँ, जिसकी पोजेशन अभी 6 to 8 मंथ में होनी है। और उसके बाद 242 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है, वो आपको अप्रोक्स कॉस्ट करेगा 1.05 करोड़ प्लस माइनस। और जो 342 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, इसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हैं, 338 से 342 में, इसमें हमारे पास कॉर्नर्स के हैं, ऑर्डिनरी लोकेशन के हैं, जो आपको कॉस्ट करते हैं 1.30 करोड़ से लेके 1.40 करोड़ के बीच में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इसकी पोजेशंस भी हो जाएगी बहुत जल्दी, 6 to 8 मंथ में। और ये न्यू चंडीगढ़ में, अगर अदर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो वहाँ के जो प्राइस हैं वो 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर यार्ड को टच कर चुके हैं, बट ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, आपको बहुत ही
आपको रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। जी हाँ, कंपनी अपनी तरफ से डेवलपमेंट के लिए पूरी लगी हुई है, क्योंकि नया एरिया है, नए एरिया डेवलप होने में आपको पता है कि थोड़ा टाइम तो लगता ही है, रोड्स ग्रेज वगैरह थोड़ी थोड़ी वो आ रही है, बट कंपनी की जो टीम है, जो साइट टीम्स हैं, वो काफ़ी फास्टली लगी हुई हैं, जो भी RWA की क्वेरीज होती हैं उनको सोल्व करने में ये लगे हुए हैं। तो होप सो बहुत ही जल्दी इसके प्राइस भी आसमान को छू जाएंगे, तो देर ना करें, अभी ये बहुत ही अफोर्डेबल है, यानी कि पॉकेट में आपकी आ जाएगा, रेट बहुत अच्छे हैं न्यूजन डील के अदर प्रोजेक्ट से, तो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है इन्वेस्ट के लिए भी, और अगर आप रहना चाहें तो रहने के लिए भी। रीज़न ये है कि इस लोकेशन का जो प्राइस है, जो अप्रोच है, वो हमारा बिल्कुल स्टेडियम रोड से है, और स्टेडियम रोड यहाँ से जस्ट 200 मीटर का डिस्टेंस आपको रहेगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करें, स्क्रीन पे जो मेंशन नंबर हैं उन नंबर पे आप कॉल करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसमें बताना चाहूँगा ये बिल्कुल सामने कमर्शियल है, जी हाँ, इस साइड रेजिडेंशियल है रोड के हमारे, इस साइड ये सारा का सारा कमर्शियल रहेगा, जिसमें मल्टीप्लेक्स आ जाएगा, हाई राइज अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही रहेगा हमारा जो PR4 रोड है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करें, इसको फिजिकली विजिट करने के लिए हमारे जो स्क्रीन पे मेंशन नंबर है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।